नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी अवध से इस समय की बड़ी खबर का। गुरुग्राम में ब्राह्मण समाज ने उमेश अग्रवाल को दिया आशीर्वाद। उमेश अग्रवाल का अभिनंदन समारोह किया आयोजित, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र पहुंचे। सभी ब्राह्मण समाज ने मिलकर उमेश अग्रवाल को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। ये वे लोग हैं जिनको यहाँ के विधायक ने माँ वैष्णो देवी का दर्शन कराया था और सब प्रकार की व्यवस्था की थी। स्वाभाविक है कि एक बार सामूहिक रूप से लोग आए, जो दर्शन करने गए थे उनको अनुभव हुआ कि जिन्होंने दर्शन कराया है उनका सम्मान किया जाए, उनको आशीर्वाद दिया जाए। और ऐसे कुछ ब्राह्मण ने उन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इतने लोग आए हैं, लोगों ने जनप्रतिनिधि को, विधायक को बकायदे आशीर्वाद दिया है और अपेक्षा भी की है कि ऐसे ही बाकी के तीर्थ स्थानों का भी दर्शन कराते रहे तो अच्छा है। प्राचीन काल से परंपरा रही है कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को तीर्थस्थल का दर्शन कराने की, यह परंपरा बीच में विलुप्त तो होती नजर आ रही थी, अब एक बार फिर शुरुआत है। क्या आप मानते हैं कि बाकी जनप्रतिनिधि जो हैं इससे सीख लेते हुए उनको भी? देखिए, ये तो स्वयं के भाव से प्रेरित तो चीज़ें आती हैं, उसके कारण होता है। जनप्रतिनिधि इस दिशा में सोचे, विचार करे और लोगों को इस ढंग से ले जाए, ये बहुत अच्छा कार्य होगा। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन सरकारें भी कर रही हैं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने भी ये किया था, लोगों को मुफ्त में यात्रा कराई थी, कुछ धामों की यात्रा कराने के लिए। तो सरकारें भी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि की तरफ से व्यापक तौर पर होता है तो सहयोग भी प्राप्त होता है। जनप्रतिनिधि के सामर्थ्य और सक्षमता पर भी निर्भर करता है और उस ढंग से करा लेता है तो निश्चित रूप से लोग आशीर्वाद प्राप्त। गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।